नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम आपको लेकर आ गए अपने वाराणसी के रविदास घाट के पास, और यहाँ पर जो कि गंगा जी का जलस्तर 4 से 5 फीट कम हो चुका है वाराणसी में। तो आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं और रविदास घाट पर भी ले चलेंगे, तो वीडियो में बने रहें। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि रविदास घाट आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, और हम घाट टू घाट आपको लेकर चले आए हैं, जो कि यहाँ पर जो कि चला जाता है 80 घाट की तरफ रास्ता। तो इस समय का क्या हाल है देख पा रहे हैं, जो कि यही रास्ता जो कि चला जाता है आपका 80 घाट की तरफ, और इस समय जो कि पानी भरने के कारण पूरा कीचड़ हो चुका है और जाना पॉसिबल नहीं है। और देख पा रहे हैं यह जो कि रास्ता था, थोड़ा थोड़ा सिर्फ बाकी था डूबने के लिए, बाकी टोटल ऊपर तक पानी आ चुका था, और इस समय कहाँ पर है यह आप देख पा रहे हैं। और यही रास्ता जो कि 80 घाट की तरफ घाट टू घाट चला जाता था, और इस समय जिस रोड पर खड़े हैं यह देख पा रहे हैं यह रोड है, इसके ऊपर भी बिल्कुल आने वाला था, लेकिन उसी के बाद फिर पानी नीचे चला गया है। और यह सब नावें जो कि हैं स्थानीय नावें, यह सब नावें जो कि अपनी अपनी जगह पर खड़ी की गई हैं, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है, और पानी जो कि नीचे चला गया है। नहीं, इस रोड पर पानी आने में 1 फीट से 1.5 फीट बाकी था, कुछ इस तरह से जो कि दिखाई दे रहा है इस समय। यह देख पा रहे हैं जो कि बड़ी वाली नावें और छोटी वाली नावें, सभी नावें इस समय हाई अलर्ट के कारण जो कि खड़ी की गई हैं, कोई भी नाव इस समय चलाई नहीं जा रही है। और कुछ इस तरह से जो कि गंगा जी का हाल है, ऊपर तक पानी आया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे चला गया है, देख पा रहे हैं। और जो कि बड़ी वाली नाव भी देख पा रहे हैं, जो कि उसका कुछ हिस्सा नीचे पानी में दबा हुआ है जहाँ से लोग चढ़ते हैं, और यह सब खरपतवार जो कि काफ़ी बहकर आ चुके हैं किनारे की तरफ, जहाँ जगह मिलता है वहाँ पर बहते हुए किनारे लग जाते हैं, और पानी कम होने के कारण यहीं पर जो कि रुक गए हैं, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का हाल है। और इस साइड में देख पाएंगे कि काफ़ी जो कि मिट्टी गीला है, जो कि ऊपर तक पानी आने के कारण गीला हो चुका है। और देख पाएंगे कुछ इस तरह का हाल है किनारे किनारे का। और रविदास घाट पे ले चलते हैं, उधर का हाल भी दिखाते हैं। और उसके पहले ये देख पाएंगे जो कि यह सब पेड़ वगैरह टोटल डूब चुका था, और काफ़ी ऊपर तक जो कि पानी आ चुका था, यह जो कि बकरी खड़ी है इसके ऊपर तक भी आ चुका था। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि यह सब एरिया टोटल जो कि डूब चुका था, और इस समय का जो कि पानी नीचे जा चुका है, और यह जो कि रास्ता था घाट की तरफ नीचे गंगा जी में जाता था, यह जो कि टोटल मिट्टी साफ कर दिया जा रहा है, और जो कि रविदास घाट है इसको भी थोड़ा बहुत साफ किया गया है, देख पा रहे हैं यह जो कि पाइप लगाया गया है और किस तरह से साफ किया जा रहा है। और गंगा जी का पानी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर तो काफ़ी नीचे आ चुका है, जो कि इस पर टोटल पानी आ चुका था लगभग, यह जो कि सीढ़ी देख पा रहे हैं, सीढ़ी 3 सीढ़ी बाकी थी डूबने के लिए, बाकी सारी सीढ़ियाँ डूब चुकी थी। और इस समय देख पाएंगे जो कि यहाँ से 2 सीढ़ी बाकी है, कुछ इस तरह से जो कि गंगा जी का जलस्तर इस समय मौजूद है, देख पा रहे हैं। और इन सब घाटों को जो कि देख पा रहे हैं किस तरह से जो कि पानी से साफ कर दिया गया है, और आगे की तरफ जो कि मिट्टी टोटल जमा हुआ है, ये देख पा रहे हैं यह सब अभी जो कि मिट्टी जमा हुआ है। तो किनारे किनारे आपको ले चलते हैं, ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं 3 सीढ़ियाँ बाकी थी डूबने के लिए ऊपर की, बाकी सीढ़ियाँ डूब चुकी थी क्योंकि पानी से। और कुछ इस तरह का जी इस समय घाट का हाल है, टोटल मिट्टी जो कि जमा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है लेकिन सफाई बहुत जल्दी हो जाएगी, इसीलिए जल्दी से कर दिया गया है ज़्यादा मिट्टी नहीं होने की वजह से। और यह घाट जो कि बिल्कुल साफ रहता था, लेकिन इस समय जो कि सफाई न होने के कारण देख पा रहे हैं किस तरह से टोटल गंदगी दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
और यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से लोग मौजूद हैं। और इस समय जो कि सुबह का समय है, और इस साइड में भी थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं अभी कि घाट को साफ किया गया है, और जो भी लोग बनारस के आसपास के हैं वह लोग घाट पर आकर जो कि घूम टहल सकते हैं। थोड़ी बहुत घाट साफ कर दिया गया है और यह सीढ़ियां देख पा रहे हैं काफी दूर तक है। यह जो कि रविदास पार्क है उसी का गेट पीछे वाला है जो कि गंगा जी की तरफ खुलता है। और कुछ दूर दराज के लोग हैं जैसे कि अस्सी घाट पे लोग पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी काफी लोग मौजूद हैं देख पा रहे हैं। जो कि यह सब चबूतरा है, टोटल यह सब भी डूब चुका था लेकिन चबूतरे को पहले साफ कर दिया गया है, इस पे से मिट्टी वगैरह हटा दिया गया है। कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं जो कि घाटों पे मिट्टी जमा हुआ है, और जो कि नाव वाले लोग हैं यह लोग भी इस तरह से अपने अपने सामानों को सुरक्षित कर रहे हैं। और अब आपको लेकर आ गए हैं जो कि दूसरी छोर पर लास्ट में, और यहाँ का हाल देख पा रहे हैं किस तरह से यह सब सामान रखा गया है यहीं पर जो कि पूरा डूब चुका था। थोड़े बहुत यह कंटेनर बाकी था, बाकी सब डूब चुका था, और यह रास्ते पर भी पानी आ चुका था जो कि इस समय पानी नीचे जाने की वजह से ख़त्म हो गया है। और ये देख पा रहे हैं जो कि साइड में पेड़ लगा हुआ था, यह पेड़ भी इसी में गिर चुका है पानी में, जो कि अस्सी का नाला बहता है नगवा वाला। और कुछ इस तरह का जो कि इस समय नज़ारा है, और पानी काफ़ी ऊपर तक आया था यह देख पा रहे हैं, जो कि सबसे ऊपर वाला जो कि आपको निशान दिख रहा है वहाँ तक आ चुका था। और यह सब जो कि है आपका दिख पा रहे हैं जो कि घर बनाए गए थे उपकरण वाले, यह सब भी टोटल डूब चुका था लेकिन इस समय दिखाई दे पा रहा है। कुछ इस तरह से गंगा जी का हाल है जो कि पानी अभी किस तरह से बह रहा है यह देख पा रहे हैं, धीरे धीरे जो कि गंगा जी का पानी घट रहा है। तो दोस्तों यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग बनारस घूमने आ रहे हैं उन्हें यह अपडेट पता चल सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।